हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने अपने चैनल पर क्लास 9th से लेकर 12th तक के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो डाले हुए हैं, अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वो सारे वीडियो देख लें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर राइट आंसर्स। फिर इसके बाद सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको पैसेज दी हुई है, इस पैसेज को आपको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें पैसेज दी हुई है सेल फोन से रिलेटेड, यहाँ पर पैसेज दी हुई है इम्पोर्टेंट, इसको दोस्तों आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद जब आप ये पैसेज अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज से मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है पैसेज को। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ अलाउड इन टू स्कूल हाउ वुड सेल फोन्स प्रूव टू बी ए डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट काइंड ऑफ इफेक्ट वुड सेल फोन्स हैव इन द क्लासरूम। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज से देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से रीड कर लेनी है पैसेज। सेक्शन बी दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। फिर इसके बाद अथवा में दिया हुआ है, अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 days एज यू हैव टू लुटुक आफ्टर योर मदर। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। सेक्शन सी दिया हुआ है, सेक्शन सी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरा, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला का दिया हुआ क्वेश्चन, द टीम प्लेड वेरी वेल, इसमें आपको पिक आउट द नाउन एंड राइट इट्स काइंड, इसमें आपको नाउन बताना है और उसके काइंड से यहाँ पर बताने हैं। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, यू आर ब्रेव, इसमें आपको प्रोनाउन बताना, पिक आउट द प्रोनाउन। तीसरा दिया हुआ है, ही गेव मी ए बुक, इसमें आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है। फिर इसके बाद चौथा नंबर का ए पार्ट दिया हुआ, राम रीड्स ए हिस्ट्री बुक, इसको आपको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज कर लेना है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर इसके बाद बी नंबर दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेनी है। ये दी हुई है ट्रांसलेशन हिंदी में दिया हुआ, ईश्वर महान है, वह न्याय है, वह दयालु है, उसने हमारे लिए चांद तथा सूर्य बनाया है, आदमी घर बनाता है वह एक भी फूल नहीं बना सकता, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो ये पैसा आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेना है। फिर इसके बाद सेक्शन डी दिया हुआ, सेक्शन डी में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये पैसेज दी हुई है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ इज एनी वन बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सी व्हेन ही वाज पोस्टेड टू द लिमिट्स। जब आप ये पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला दिया हुआ क्वेश्चन इसमें हु वाज लैंचो, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। तो इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ये तीन क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग अफ्रेड टू फ्लाई। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ, मैच द वर्ड अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी। इधर ए दिया हुआ, एक तरफ बी दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है क्रेस्ट सॉलिटरी एक्सप्रेस अप्रोचिंग, बी में दिया हुआ टू सो कमिंग नियर टॉप लॉनली। तो आपको अच्छे से मैच कर लेना है मैचिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी स्टेंजा से मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से ये स्टेंजा पढ़ लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। पहला दिया हुआ, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, डस्ट टू स्नो। ये तीन पोएम के नाम दिए हुए यहाँ पर, इन दोनों तीन तीनों में से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया इन तीनों में से किसी का भी नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। अथवा में दिया हुआ, जो राइट 4 लाइन पोइम्स फ्रॉम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको अगर ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी अच्छे से आता है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो जो आप इन तीनों में से आपको किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने अच्छे से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये सारे आपको अच्छे से देख तैयार कर लेने हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप हर सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।